पोर्टेबल एसी, इन्वर्टर एसी है, जिस तरह स्प्लिट एसी इन्वर्टर होते हैं सेम ये भी इन्वर्टर है। कम से कम जो थ्रो होती है वो 10 से 12 फुट तक होती है। हवा की जो आवाज़ है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इसकी थ्रो होगी और अच्छी खासी ठंडक दे रहा है। बैक पे इसका यहाँ पे हीटिंग वाला सिस्टम है, आपने खींच के लंबा करना है, अच्छा, कम करना है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी गैस भरी जाएगी। एसी ठीक करने वाले आते हैं और आके कहते हैं कि चुस्की लगवानी है और 4000 ले जाते हैं। ऐसे ही ऐसे बिल्कुल, इसको फिल्टर आपने यहाँ से साफ करने होते हैं। आम एसी के मुकाबले में और इस एसी में मतलब कितना फर्क आएगा बिल में? ये इतना कैपेबल है कि मतलब 1-2 सीजन 3 सीजन निकाल लेगा। प्राइस कितनी है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल और मैं हूं फैज़ान चौधरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा एसी दिखाने जा रहा हूं जिसे आप जब चाहें जहां चाहें लेके जा सकते हैं, चाहे वो कमरा हो, चाहे किचन हो, या अगर आप वॉशरूम में भी लगाना चाहें तो वहां पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये है पोर्टेबल एसी जो कि कहीं भी ईजीली मूव कर सकते हैं। इसकी डिटेलिंग क्या है, क्या स्पेक्स हैं वो मोहसिन भाई बताएंगे। मोहसिन भाई, क्या चीज़ है ये? नहीं, इन्वर्टर एसी है, जिस तरह स्प्लिट एसी इन्वर्टर होते हैं सेम ये भी इन्वर्टर है। ठीक है, इसके अंदर आपको जिस तरह स्प्लिट एसी अंदर दो यूनिट होते हैं, एक इंडोर होता है, एक आउटडोर होता है, लेकिन वो दोनों चीज़ें एक ही यूनिट के अंदर आ रही हैं। मतलब सबसे पहला खर्चा हमारा वो बचेगा जो हमें एसी सर्विस के लिए एक बंदा स्पेशली बुलाना पड़ता था कि जी आगे एसी लगा दें। ऐसे ही बिल्कुल, वो भी नहीं बुलाना पड़ता, जस्ट आपने खुद ही बॉक्स से ओपन करना है, वायरस की अपने बिजली में लगानी है और एसी के मजे ले। मौसम भाई, इसको जरा दिखाएं, एक आम आदमी अगर आपसे ये परचेज करता है और लेकर जाता है तो वो सबसे पहला काम क्या करेगा? यहाँ पे फ्रंट वाली साइड पे देखेंगे, यहाँ पे इसका ब्लोअर सिस्टम है, इसकी कम से कम जो थ्रो होती है वो 10 से 12 फुट तक होती है। ठीक है, और बैक पे इसका यहाँ पे हीटिंग वाला सिस्टम है। अच्छा, यहाँ पे हीटिंग वाला, यहाँ पे आपने हीटिंग कैसे बाहर निकालनी है, आपने एक पाइप इस्तेमाल करना है जो कि इसकी फिटिंग के साथ आपको दिया जाता है, जिस तरह ये वाला पाइप है, ये आपको फिटिंग के साथ दिया जाएगा, बॉक्स के अंदर ही होगा। आपने इसको यहाँ पे इसका जो है वो लॉक कर लेना है आपने, ये लॉक हो गया। ठीक है, लॉक हो गया, इसके साथ आपको एक और इसमें जो है वो डक्ट मिलेगी। क्या ये डक्ट जो सी है वो कमरे से बाहर तक जाएगी? तो आपका जो ये पाइप होता है ये फ्लेक्सिबल होता है। अच्छा, आप इसको जितना भी अपनी मर्जी से अगर आपने खींच के लंबा करना है, अच्छा, कम करना है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस पाइप को आपने इस डक्ट के अंदर यहाँ पे लगा देना होता है, इस जगह पे ऐसे। ठीक है, जो मतलब गर्म यहाँ लग गया, गर्म हवा ऑटोमेटिकली विंडो से बाहर जाएगी, ऑटोमेटिकली विंडो से बाहर ही, बाकी इसको आप रूम में कहीं भी आगे पीछे मूव करें, बेड के पास ले आए। जब इंसान एसी ले लेता है तो दूसरा जो सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा महाज लगता है हर सीजन में, वो ये होता है कि गैस भरवानी है जी, तो इसमें भी गैस भरी जाएगी? बिल्कुल, एसी है, इसमें देखें कि ये पहली बात है, इसमें गैस लीक नहीं होती क्योंकि इसमें सील्ड गैस होती है। ठीक है, जो इंडोर आउटडोर होते हैं उसमें जब भी आपको शिफ्टिंग यूनिट करना हो तो उसमें से ऑटोमेटिक गैस निकल जाती है, गैस लीक हो जाती है, दोबारा आपको हर साल जो है 4000 का या 5000 का खर्चा पड़ जाता है। वो अक्सर एसी ठीक करने वाले आते हैं और आके कहते हैं कि चुस्की लगवानी है और 4000 ले जाते हैं। ऐसे ही ऐसे बिल्कुल, उसमें बता रहे होते हैं कि आपकी जो किलो गैस डली है, 1.5 किलो डली है, तो वो चार्ज कर लेते हैं। उसके अलावा जो लोग जिनके घर जो है वो नाले के पास होते हैं, ज़्यादातर हमारे पास वो कस्टमर आते हैं कि नाले के पास गा रहे हैं कि हर साल एसी की जो है वो गैस चेंज करवाते हैं, हर साल चेंज करवाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि ये इंडोर लगना होता है, इसकी गैस लीक नहीं होती। मतलब एक तो आपने बताया कि इसकी गैस लीक ही नहीं होगी, लीक नहीं होगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर इसमें गैस भरवानी पड़ जाती है तो वो कहाँ से मिलेगी? भरवानी पड़ जाती है, 1 टन का साइज़ होता है, जितनी 1 टन में गैस आती है इसमें भी उतनी ही गैस आएगी। यहाँ पर देखें इसके फिल्टर ये लगे हुए हैं। अच्छा जी, इसको फिल्टर आपने यहाँ से साफ़ करने होते हैं, ये जाली खोलें, यहाँ पे इसका फिल्टर दिया हुआ है, फिल्टर खोल के आप पानी के साथ वॉश करके दोबारा एज इट इज लगा लें। मतलब सेम वैसे ही है जैसे आम एसी में होते हैं। बिल्कुल, एक फिल्टर ये लगा हुआ है, एक फिल्टर इसके यहाँ पे नीचे लगा हुआ है, दो फिल्टर हैं। और आप ये देख सकते हैं इसका ये कंडेंसर है, ये ब्लू फिल्म के साथ है, ब्लू फिल्म का जितने भी कंडेंसर होते हैं उसमें 100% जो है वो कॉपर यूज़ हो रही होती है। तो इसको मैं आपको ऑन करके भी चेक कराता हूँ। एसी जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं फिर उसके ना वोल्टेज का भी बड़ा मसला आता है, तो इसका उस तरह का कोई मसाइल तो नहीं है? नहीं बिल्कुल, देखें कि इसमें जो बाहर से जितने भी पॉइंट वाले एसी आते हैं उनके अंदर जो कंपनी ने जो है वो फ्यूज़ दिया होता है। अच्छा, अगर ज़रा से भी आपके वोल्टेज ज़्यादा आते हैं तो ये आपका फ्यूज़ जल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, आप फ्यूज़ जल गया दोबारा मार्केट से नया फ्यूज़ लाएँ, दोबारा आप यहाँ पर डाल दें, मतलब हमें ब्रेकर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको पावर आ चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें देखिए आप यहाँ पे इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के साथ ही आपने यहाँ पे इसका फैन स्पीड है, फैन स्पीड आपने 1 पे करनी है, 2 पे करनी है, 3 पे करनी है, आप और एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इसका टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं रूम का, कभी मैक्सिमम 30 और मिनिमम 16 होगा, 17 तक आएगा, 17 तक आएगा मिनिमम। और अगर इसको आपने रिमोट से कंट्रोल करना है तो आप रिमोट से भी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब इसका रिमोट कंट्रोल भी है? जी, रिमोट कंट्रोल भी है जी। ये इस टाइम चल चुका है और अच्छी खासी थ्रो के साथ
ये जो उनसे हवा दे रहा है, मैं बल्कि आपको आवाज़ सुनाता हूँ हवा की, ये देखिए ये आप हवा की जो आवाज़ है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इसकी थ्रो होगी, और अच्छी खासी ठंडक दे रहा है क्योंकि ये 17 टेम्परेचर पे है। और अगर अब हम इसके जो आउटर है उसकी बात करें तो वहाँ से भी गर्म हवा अच्छी खासी थ्रो के साथ बाहर निकल रही है, वो भी बात ये देखें। ये मतलब न्यू टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा एसी है जिसमें आपके कई तरह के खर्चे जो है वो बच रहे हैं। आम रूटीन में 8 घंटे ज़्यादातर एसी चलता है, रात के टाइम लोग सोने के लिए ही चलाते हैं, तो आम एसी के मुकाबले में और इस एसी में मतलब कितना फ़र्क आएगा बिल में? देखें आजकल जो जिस तरह आपका स्प्लिट एसी एक टन का इन्वर्टर है तकरीबन ये उसके बराबर बिल आएगा। ये इतना कैपेबल है कि मतलब 1-2 सीज़न 3 सीज़न निकाल लेगा इसकी। देखें कि ये जो एसी होता है ये आपका लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है क्योंकि ये ख़राब नहीं होता, ठीक है। आप एक जगह से मूव करके दूसरी जगह लगा, देखिए आपका जो एसी ख़राब होता है जिस तरह आपका आउटर होता है वो आप बाहर लगा होता है, वो सालों साल बाहर लगा होता है, जंग आ जाता है, गैस लीक होती है, कंडेंसर ख़राब होते हैं। ये आपका ऐसा सिस्टम जैसा आपकी फ्रिज है, फ्रिज आपकी देखे होंगे आप घर में भी यूज़ करेंगे, फ्रिज आपकी जो है 9-10 साल कहीं 12 साल खराब से वो नहीं होती क्योंकि वो आपकी इंडोर इस्तेमाल हो रही होती है, तो ये चीज़ भी आपकी इंडोर इस्तेमाल होनी है। आप कितनी गारंटी देते हैं? हम इसकी देते हैं 1 साल की गारंटी। अच्छा, अब आते हैं इसके मेन क्या कहते हैं सवाल की तरफ के प्राइस कितनी है? इसकी प्राइस हमारे पास है वो 75,000 है। मोहसिन भाई ये थोड़ा एक्सपेंसिव नहीं है आम एसी के मुकाबले में? अगर आप मैं मार्केट में देखेंगे अगर एक टन का अगर आप स्प्लिट एसी लेने जाए ना तो 85+ रेट है उसका। ये तो हो गया जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी तो कोई चीज़ बताएं हमें। नहीं कर सकते उनके लिए भी हमारे पास अच्छी चीज़ है कि उनके लिए छोटा साइज है। ये था मैंने आपको जो चेक कराया ये था 1 टन का साइज। अच्छा, अब जो दूसरा मैं एसी चेक करा रहा हूँ ये है 1.5 टन का साइज, ठीक है, क्योंकि इसका जो साइज है रूम का ये होना चाहिए 10x10 या 10x12 रूम का साइज। उतने रूम के लिए 3.5 एम्पीयर का 3 एम्पीयर का एसी है और छोटे रूम के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, इसको विंडो जैसी आज चीज़ आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे ही अपने विंडो में लगाना होता है, विंडो जैसा स्लाइडिंग विंडो है, आपने विंडो थोड़ी स्लाइड करके इसको लगाएं, बाकी का एरिया थर्मोकोल शीट से या किसी चीज़ से बंद कर दें। मतलब ये लगेगा वर्टिकल पोजीशन में ही? वर्टिकल पोजीशन में विंडो में लगेगा। और ये जो एसी होता है ये ओरिजिनल मेड इन जापान का है। अच्छा, जो बहरी जहाज़ों में लगे होते हैं या जापान में छोटे छोटे कैबिन के अंदर लगे होते हैं ये वो वाले एसी हैं। फंक्शन सारे इसके वही हैं जो इसके हैं? बिल्कुल वही है, इसके अंदर कंप्रेसर लगा हुआ है, रोटरी कंप्रेसर है, इसमें आपका सेम एसी वाला ही फंक्शन है इसका। यहाँ पे मैं खोलूंगा इसका, ठीक है, यहाँ पे इसका फिल्टर है, फिल्टर दिया हुआ है, फिल्टर खोल के आपने साफ़ करना होता है। ये बैक पे इसका कंडेंसर लगा हुआ है, ठीक है, ये फिल्टर आप खोलेंगे, खोल के आप इजीली इसको कहीं भी पानी के साथ वॉश करके दोबारा आपने लगा देना होता है ये फिल्टर, और ऊपर से यहाँ पे दोबारा डक्ट लगा देनी है। और इस एसी को लगाने के लिए भी किसी मैकेनिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने हमसे बाय करना है, ठीक है, नॉर्मल प्लग में लगाना है और आपने जाके विंडो में इंस्टॉल करना है और एसी चल पड़ेगा। एसी चल पड़ेगा, उसके बाद किसी भी जगह पे इसको भी मूव कर सकते हैं, इसमें भी गैस लीक नहीं होती, ठीक है। ये किस तरह आपने कहा है कि ये जो मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये एसी बेस्ट है? ये इसलिए है क्योंकि इसकी हमारे पास प्राइस है 18,500। ये इतना सस्ता होने की क्या वजह? उसकी ये है क्योंकि ये हमारे पास जो है बल्क में माल आता है, बाहर से हम अपोर्ड करते हैं और ये इसीलिए लेके आते हैं, इसका साइज छोटा छोटा है लेकिन हर किसी की पहुंच में ये एसी आ जाए। तो जी नाज़रीन, दूसरे एसी को भूल जाएं, बल्कि पोर्टेबल एसी जो हैं वो अपने घर लेकर आएँ, क्योंकि इन्हें आप जब चाहें घर के किसी भी कोने में लगा कर ठंडी हवा ले सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।